और यहाँ पे है 3 GB स्पीड। ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पे ऑनलाइन ही काम कर रहे हैं, ऑनलाइन ही सब कुछ चल रहा है। इन लोगों को यकीन ही नहीं है, सीधी सी बात है, क्या करें मुल्क के हालात। दुख होता है कि यार हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ पे पहुँच गया है, ऊपर जाने के बजाय मज़ीद डाउनफॉल में जा रहा है कि कंपैरिजन किया जाए बहुत चीज़ें चेंज है, बहुत कुछ चेंज है। और यहाँ पे मैंने स्पीड आगे देखी है, सीरियसली अमेजिंग अनबिलीवेबल स्पीड है यार। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। यार अभी मैं ना एंटर हुआ घर, तो मैंने एक लीफलेट, इसे कार्ड कहेंगे, कार्ड मैंने देखा। सो इस पे लिखा हुआ है कि ब्रिंग योर वाईफाई अप टू स्पीड 3 GB, 3 GB पर सेकेंड। हमारे मुल्क में हम 1 MB, 2 MB स्पीड देखते हैं, तो 8 MB, 16 MB, 32 MB जस्ट जो चल रही है। और यहाँ पे है 3 GB स्पीड। सो वेयर वी आर स्ट्रैंड, हमें समझ नहीं आती कि हम देखें अपने मुल्क को तो हमें हैरानगी होती है। अच्छा मैं ना 10 साल, 9 साल और 3 महीने बाद आया हूँ यहाँ पे, इधर लंदन में, इंग्लैंड में। मैंने इतनी चेंजेस देखी हैं, लाइक एवरीथिंग ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन है। कोई भी चीज़ यहाँ पे वो नहीं रही अब कि आप कहें कि आप वैसे, आपको मैंने बहुत कम चीज़ें, लाइक ये जो ग्रॉसरी ये रह गई है ये भी ऑनलाइन ही है तकरीबन, ये भी सारा सिस्टम कार्ड सिस्टम है, कैश आप बहुत कम यूज़ होता है। ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पे ऑनलाइन ही काम कर रहे हैं, ऑनलाइन ही सब कुछ चल रहा है, सब कुछ कन्वर्ट हो गया ऑनलाइन, चेक इन बैलेंस सब कुछ है। देखा जाए तो हर चीज़ ऑलमोस्ट जो है ना उस टाइम थी आज से 9 साल पहले, और अब बहुत चेंजेस आ चुकी हैं। इवन कि मैं टर्की में था तो वहाँ पे मुझे चीज़ें नज़र आई थी, पाकिस्तान से बेहतर ही नज़र आई थी, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। अगर मैं कंपैरिजन करूँ टर्की के साथ, सो बहुत चेंज है यहाँ पे, काफ़ी चीज़ें चेंजेस हैं। वो मैं ऐसे ऐसे आपको बताता रहूँगा, अभी तो मुझे ख़ुद नहीं पता, मैं ख़ुद परेशान होता हूँ काफ़ी जगहों पे, क्योंकि मुझे सिस्टम काफ़ी चेंज लगते हैं, मुझे ख़ुद कई दफ़ा समझ नहीं आती। और बाकी भी काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन, आप अकाउंट खोलते हैं, आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन खोला है। इसके अलावा DVLA, वो मैं फॉर्म लेने गया था, मैंने वीडियो में दिखाया था, लेकिन वो भी ऑनलाइन हो गया सारा। कोई भी चीज़ हमने करनी है सब कुछ ऑनलाइन है तकरीबन। कहने का मकसद है हम लोग इतने पीछे हैं, इतने पीछे हैं कि मैं ऐसे ही फ्रेंड्स को कह रहा था, मैं कहा यार मैं स्पीड चेक कर रहा 250 MB आ रही ऑफिस में फ्रेंड के, तो मैंने ऐसे ही पाकिस्तान फ्रेंड को मैंने ऐसे स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने कहा क्या ये 10 साल बाद आ जाएगी? PT7 में होता है वहाँ पे, कहता वो कहता है इम्पॉसिबल बात है, हालांकि आ सकती है, आने को कुछ भी आ सकता है, लेकिन कि लोगों को यकीन ही नहीं है, सीधी सी बात है, क्या करें मुल्क के हालात और वहाँ की गवर्नमेंट। दुख होता है कि यार हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ पे पहुँच गया है, ऊपर जाने के बजाय मज़ीद डाउनफॉल में जा रहा है, कि हम पाकिस्तानी हैं तो इस चीज़ का दुख तो होता है हमें कि हमारा मुल्क है। तो ऐसे ही आई थी तो मैंने कहा एक वीडियो बनाऊँ इस पर, दुख होता है सीधी सी बात है, काफ़ी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए वो हो रही हैं, ज़्यादातर 99% चीज़ें रॉन्ग हो रही हैं पाकिस्तान में। कंपैरिजन किया जाए बहुत चीज़ें चेंज है, बहुत कुछ चेंज है, ये खुशी की बात नहीं है, ये दुख की बात है हमारे हम पाकिस्तानियों के लिए। जो यहाँ पे दोस्त हैं वो भी नहीं जाना चाहते, इवन मैं टर्की में था वहाँ पे जो मिडल ईस्ट से जितने मेरे जानने और जितने मेरे फॉलोअर्स थे वो भी यही कहते कहते यार पाकिस्तान क्या करना है, जाके पाकिस्तान में क्या करना है, लूट मार सब कुछ हर चीज़, यार हर जगह लूट मार होती है, ये नहीं कि पाकिस्तान में ही है, लेकिन हर बंदा ना जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान से निकल आते हैं वो पाकिस्तान से डरने लग जाते हैं, कि वहाँ की न्यूज़ सुन सुन के, वहाँ के हालात देख देख के, क्योंकि चेंज हो जाता है माइंड, चेंज हो जाता है सब कुछ, चेंज हो जाता है आपका, आपका माइंड सेट वहाँ हो जाता है जहाँ पे आप रहते हैं। ये भी लोग फिर अजीब बातें करते हैं वहाँ के, यार ये यहाँ से गया है, ये गया है, ऐसी बातें करते हैं। अपने आप को चेंज करें, क्या करें कुछ समझ नहीं आती।
वहाँ पे तो चेंज करने की कोशिश करें वो भी नहीं करने देता कोई। तो वीडियो बनाने का मकसद है एक, ये आपको आई थी चीज़ मैंने आपको दिखाई, मैं कहा यार देखें कि क्या ये दे रहे हैं स्पीड, इतनी स्पीड दे रहे हैं कि एक जो न्यू जनरेशन को इसकी ज़रूरत है तो वो ही पूरी नहीं हो पा रही। इवन कि मैं अगर बताऊँ ना, मैं फ़िल्म डाउनलोड करता था, मुझे डाउनलोड करने में 100-200 GB 2 से 3 दिन लग जाते थे, स्पीड ही नहीं होती थी। और यहाँ पे मैंने स्पीड आगे देखी है, सीरियसली अमेजिंग अनबिलीवेबल स्पीड है यार, इतनी स्पीड है इंटरनेट की जिससे पूरा वर्ल्ड इस टाइम चल रहा है, बिजनेस क्रिएट कर रहा है। सो यही कहना था कि हम कहाँ पे खड़े हैं, अल्लाह हम सब के लिए बेहतर करे। इंशाल्लाह मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।